स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द क्लास। बेटा, आज की क्लास में हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। देखिए, हमने डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे अकाउंट्स को मेंटेन करना सीखा है, जिसमें हमने जिस अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर हमने सबसे पहले बनाया जर्नल को। जर्नल के बाद हमने बनाई लेज़र। अब लेज़र के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा ट्रायल बैलेंस। इसमें हमें क्या करना होता है, लेज़र से जो हमें बैलेंस एक्सट्रैक्ट हुए हैं, उन बैलेंसेस से हम क्या प्रिपेयर करेंगे, ट्रायल बैलेंस करेंगे। ट्रायल बैलेंस बेटा एक तरीके का आपका चेकिंग पार्ट है। यूँ समझ लीजिए कि जर्नल और लेज़र का क्या है, चेकिंग पार्ट है। ट्रायल बैलेंस से हमें ये पता लग जाएगा कि हमारी लेज़र या जर्नल में हमसे कुछ एरर हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। क्योंकि ट्रायल बैलेंस का अगर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों आपस में मैच नहीं करते हैं, इट मीन्स हमारी लेज़र में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है, या तो हमने टोटल करते वक्त मिस्टेक की है या फिर बैलेंस लिखते टाइम कोई मिस्टेक की है, ठीक है। तो देखिए, ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेज ऑफ द लेज़र अकाउंट टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। अर्थमेटिकल मतलब प्लस माइनस से रिलेटेड, मैथमेटिकल एक्यूरेसी को, शुद्धता को चेक किया जा सकता है। इससे हमें पता लग जाएगा कि हमने कोई अर्थमेटिकल एरर तो नहीं की है, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट देखिए, सबसे पहले हेड ऑफ अकाउंट्स, पहला कॉलम होगा हेड ऑफ अकाउंट, नेक्स्ट होगा LF, डेबिट क्रेडिट, ये सिर्फ इतने हैं। हेड्स ऑफ अकाउंट्स में आप अकाउंट्स के नेम लिखोगे, जैसे सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, डेप्रिशिएशन अकाउंट, सैलरी अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, फॉर एग्जाम्पल, इस तरीके से। तो ये आपका पैटर्न रहेगा बेटा किसका, ट्रायल बैलेंस का, ठीक है। तो अब हम देखिए ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस को बनाना सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, कई बार क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा, सीधा आपको ट्रांजैक्शन दिए होंगे, जिससे आप क्या बनाना होगा, आपको जर्नल बनानी होगी, जर्नल के बाद लेज़र बनानी होगी और लेज़र के बाद ट्रायल बैलेंस। लेकिन जैसे अभी ये थर्ड क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, सीधा लेज़र अकाउंट के बैलेंस दिए हुए हैं, हमें सीधा बैलेंस निकाल कर दिए हुए हैं, सिर्फ हमें इन्हें ट्रायल बैलेंस में लिखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे। तो इसका फॉर्मेट, सीरियल नंबर, लिस्ट ऑफ आइटम्स लिख सकते हो, हेड्स ऑफ अकाउंट्स, आप हमेशा क्या लिखोगे, हेड्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, हेड्स ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद डेबिट क्रेडिट। जी देखिए, सबसे पहला है बैंक ओवरड्राफ्ट, सबसे पहला डिजिट क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, एक हमारी लाइबिलिटी है, और जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं उनके जो बैलेंसेस होते हैं हमेशा क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट किस साइड जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट लिखेंगे, और कहाँ जाएगी अमाउंट, क्रेडिट बैलेंस में। इसके बाद देखिए सेल्स, ठीक है, सेल्स का बैलेंस भी क्या होता है, क्रेडिट, तो सेल्स को भी हम कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट में शो करेंगे, सेल्स क्रेडिट। उसके बाद परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न भी क्रेडिट में जाएगी, परचेज का बैलेंस डेबिट होता है, परचेज रिटर्न का बैलेंस क्रेडिट होता है। आपको पता है जब हमने जर्नल एंट्री की थी तो जर्नल एंट्री के अंदर भी हमने यही किया था, परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया था, ठीक है। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन में आपको दिए हुए हैं डेप्टर्स, तो डेप्टर्स का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट, क्योंकि आपको पता है जर्नल एंट्री जब भी हम करते हैं तो डेप्टर अकाउंट डेबिट टू सेल्स हमारी एंट्री होती है, इसलिए डेप्टर्स का बैलेंस हमेशा क्या रहता है, डेबिट रहता है, इसलिए इसे हम डेबिट साइड लिखेंगे। उसके बाद वेजेस, वेजेस एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बैलेंस भी हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। इसके बाद देखिए, हमें जो कैपिटल है बेटा वो क्वेश्चन मार्क दी हुई है,
क्वेश्चन मार्क मतलब कि हमें सबसे लास्ट में मिलेगी। ये कैसे मिलेगी मैं आपको बता दूंगा, एक बार इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। इसके बाद देखिए परचेजेस, परचेजेस क्या होती है, डेबिट होती है। कैश हमारी असेट्स है इसलिए डेबिट होती है, क्रेडिटर लाइबिलिटी है इसलिए क्रेडिट होती है। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न डेबिट होती है क्योंकि सेल्स क्या होती है, क्रेडिट होती है, सेल्स रिटर्न डेबिट होती है। इक्विपमेंट हमारी असेट्स है इसलिए डेबिट होती है। ओपनिंग स्टॉक भी हमारी असेट्स है इसलिए डेबिट होती है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, कैपिटल कैसे फाइंड करनी है। आप डेबिट साइड का टोटल करोगे, क्रेडिट साइड के आइटम्स का टोटल करोगे। जब डेबिट साइड के आइटम्स में से क्रेडिट साइड के आइटम लेस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगी कैपिटल 158750, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारी जो आइटम्स हैं इन्हें आपको किस में लिखनी है, ट्रायल बैलेंस में लिखनी है। ये सिर्फ एक ही दिन का चैप्टर है बेटा, ज़्यादा इसको लॉन्ग नहीं लेकर चलेंगे हम, आज ही इसके सब क्वेश्चन कर लेंगे। सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, आपको सिर्फ यहाँ पर आपका क्या है कि आपने जो अभी तक की स्टडी की है वो आपके काम आएगी, क्योंकि आपने अभी तक जो स्टडी किया उससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि कौन सा अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है, कौन से अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है। क्योंकि आपने गोल्डन रूल्स सीख लिए हैं, गोल्डन रूल्स सीखने के बाद आपने जर्नल प्रिपेयर करना सीख लिया है, लेज़र प्रिपेयर करना सीख लिया है, तो अभी तक आपको इतना पता लग चुका होगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, कौन सा क्रेडिट होता है, ठीक है। तो बस इसमें इतना था ही तो काम है, इसके अलावा तो हमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब चलिए फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं, आपकी बुक का फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं, मैं डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन शो कर रहा हूँ, क्वेश्चन आप बुक में से रीड कर लेना। देखिए सीरियल नंबर, उसके बाद हेड्स ऑफ अकाउंट्स या लिस्ट ऑफ आइटम्स, डेबिट क्रेडिट कैपिटल, सबसे पहले क्या वर्ड आ रहा है, कैपिटल, कौन सा अकाउंट आ रहा है, कैपिटल। तो कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। ओपनिंग स्टॉक डेबिट, फर्नीचर, फर्नीचर भी हमेशा किस में जाता है, डेबिट में जाता है। उसके बाद परचेजेस, परचेजेस भी डेबिट में जाएगा क्योंकि परचेज डेबिट होता है जर्नल एंट्री के अंदर भी। कैश डेबिट, कैरीज क्रेडिट, सॉरी कैरीज भी डेबिट, कैरीज क्या है, एक एक्सपेंस है। उसके बाद सेल्स क्रेडिट, बिल्डिंग एक असेट्स है इसलिए डेबिट। बेटा जितनी भी असेट्स हैं उनके बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनके बैलेंस क्रेडिट होते हैं, ठीक है। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड बेटा बोला जाता है सेल्स रिटर्न को। रिटर्न इनवर्ड का मतलब है सेल्स रिटर्न को, हमारे पास माल वापस आया है तो इसलिए इसका बैलेंस डेबिट होता है। और रिटर्न आउटवर्ड बोला जाता है किसको, परचेज रिटर्न को, इसलिए इसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। इसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस, ये ऑलवेज डेबिट होते हैं क्योंकि एक्सपेंस है। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है इसलिए ये क्रेडिट होती है। सैलरी हमारा एक्सपेंस है इसलिए डेबिट होता है। ऑफिस रेंट भी हमारा एक एक्सपेंस है इसलिए डेबिट होता है। ये सब चीज़ें आइटम लिखने के बाद हमने ट्रायल बैलेंस का टोटल किया और हमारे दोनों साइड का टोटल क्या आ गया, इक्वल आ गया है। इट मीन्स हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो सही है और उसके साथ साथ हमारी लेज़र भी सही है, उसमें कोई भी अर्थमेटिकल एरर नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद जीएसटी, ये क्या है, विद जीएसटी का क्वेश्चन है। तो कैश कैपिटल परचेज सेल परचेज रिटर्न, तो ये कुछ आपको चीज़ें दी हुई है, ये सब आपको क्या करनी है, ट्रायल बैलेंस में लिखनी है। इसमें बेटा डिफरेंट क्या है, सिर्फ एक जीएसटी के 6 अकाउंट दिए हुए हैं, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, और इधर आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी। अब देखिए इन्हें आपको क्या करना है, सिर्फ मैं इनके बारे में बताता हूँ, बाकी तो हम सीधा सॉल्यूशन में देख लेंगे। देखो इनपुट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था जब भी हम किसी माल को परचेज करते हैं,
जब भी हम किसी माल को परचेज करते हैं तो हम क्या पे करते हैं, इनपुट CGST या इनपुट SGST या इनपुट IGST, ठीक है। तो ये जो क्या होते हैं हमारे लिए, क्या होते हैं, एक एक्सपेंस होता है, मतलब हम इन्हें पे करते हैं और आउटपुट हमें मिलता है, तो ये हमारे लिए एक रेवेन्यू होता है, एक इनकम होती है, ठीक है। हालांकि हमें गवर्नमेंट को पे करनी होती है लेकिन इन्हें हम क्रेडिट करते हैं। तो इनपुट CGST, SGST और IGST इन्हें तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि हम इन्हें जर्नल एंट्री में भी डेबिट करते हैं जब हम पे करते हैं। और आउटपुट इन्हें हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इनका बैलेंस क्या होता है, हमेशा क्रेडिट। तो देखिए, कैश हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि कभी ऐसा हुआ है कि आपकी पॉकेट में पैसे कम हैं और आपने पैसे किसी को ज़्यादा दे दिए, ऐसा कभी नहीं होता। तो हमारे बिजनेस में कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट ही रहता है मोस्टली, क्योंकि मोस्टली क्या, हमेशा ही डेबिट रहता है। सिर्फ बैंक कॉलम का है वो ओवरड्राफ्ट में जा सकता है कैश बुक का, लेकिन कैश का बैलेंस हमेशा क्या रहेगा, डेबिट रहेगा। और इसके साथ साथ हाँ, एक चीज़ ये बता रहा था कि कैश का बैलेंस डेबिट रहेगा क्योंकि हमारे पास जितना कैश है हम उतना ही पे कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कभी भी कैश पे नहीं कर सकते। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट 80,000, परचेजेस डेबिट, सेल्स क्रेडिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, उसके बाद सेल रिटर्न डेबिट, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है इसलिए डेबिट, डिस्काउंट अलाउड भी एक एक्सपेंस है इसलिए डेबिट, प्रिंटिंग भी एक एक्सपेंस है इसलिए डेबिट, डेप्टर्स ऑलवेज डेबिट होते हैं। और मैंने आपको बताया है इनपुट जितने भी टैक्सेस हैं GST के वो सब डेबिट होंगे, तो हमने सभी को डेबिट कर दिया। क्रेडिटर्स क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट हमारी एक असेट्स है। हमारे बिजनेस में जितने भी क्या होंगे, जितने भी असेट्स होंगी वो सब डेबिट होंगी और जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी वो सब क्रेडिट होंगी, ठीक है। इसके बाद देखिए, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, फर्नीचर डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी भी एक एक्सपेंस है इसलिए डेबिट, पोस्टेज डेबिट, ड्राइंग डेबिट, सैलरीज डेबिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट, आउटपुट CGST, SGST, IGST क्रेडिट करना, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। इस क्वेश्चन का हमने टोटल लगाया तो हमारा जो टोटल आ गया वो क्या आ गया, सेम आ गया है दोनों साइड का। इट मीन्स हम सही हैं अर्थमेटिकली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, 8th नंबर क्वेश्चन है हमारा। इसके अंदर भी हमें कुछ क्या दिए हुए हैं, बैलेंसेस दिए हुए हैं लेज़र से, ठीक है, अकाउंट्स के बैलेंस दिए हुए हैं, जिससे हमें क्या प्रिपेयर करना है, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। तो देखिए सॉल्यूशन पर चलते हैं, सीरियल नंबर, हेड्स ऑफ अकाउंट्स या फिर लिस्ट ऑफ आइटम्स लिख सकते हो, पार्टिकुलर्स भी लिख सकते हो, लेकिन आपको हेड्स ऑफ अकाउंट्स ही लिखना है हर जगह। LF डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। चलिए परचेजेस डेबिट, डेप्टर्स डेबिट, परमिसेस ये भी बेटा बिजनेस की एक असेट्स होती है इसलिए इसे भी हम डेबिट करते हैं। इसके बाद सेल्स क्रेडिट, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब पैसा बिजनेस से गया, ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब, सॉरी पैसा नहीं, मतलब स्टॉक गया, परचेज रिटर्न हो गई है, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होती है। रेंट एंड टैक्सेस डेबिट, कैश एट बैंक डेबिट, कैरीज इनवर्ड, कैरीज इनवर्ड भी बिजनेस का एक एक्सपेंस है, मतलब कि माल को लाने पर, स्टॉक को खरीदने पर जो भाड़ा पे किया गया, जो कैरिज पे किया गया, उसे हम बोलते हैं कैरिज इनवर्ड। सैलरीज डेबिट, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक हमेशा डेबिट होता है, ड्रॉइंग्स डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट होते हैं, क्रेडिटर हमारी एक लायबिलिटी है इसलिए ये हमेशा क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न है इसलिए डेबिट होगा, फर्नीचर एक असेट्स है इसलिए डेबिट होगा, कैश इन हैंड डेबिट होता है हमेशा, कैपिटल क्रेडिट, फैक्ट्री वेजेज एक एक्सपेंस है इसे डेबिट, कैरीज आउटवर्ड जो माल को बेचने पे जो कैरीज चुकाया गया वो कैरीज आउटवर्ड, तो वो भी डेबिट होगा, बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है। रेंट रिसीव्ड बिजनेस के लिए इनकम है इसलिए क्रेडिट होगी, इंश्योरेंस डेबिट होगा, बैड डेब्ट्स भी डेबिट होगा क्योंकि ये दोनों एक्सपेंस है।
और जितने भी इनपुट टैक्सेज हैं वो डेबिट होते हैं और जो आउटपुट है वो क्रेडिट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का भी हमने टोटल लगाया तो हमारे पास आ गया 264,190। इट मीन्स हमारे जो लेज़र है वो सही बनी हुई है, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हमने क्या किया, आज ट्रायल बैलेंस चैप्टर शुरू किया था और ट्रायल बैलेंस के हमने क्वेश्चन किए हैं सारे। ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन करने के बाद हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब जो जो क्वेश्चन बेटा मैंने इस वीडियो में करवाए हैं वो आपको नोटबुक में भी करने हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, 5th और 8th ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आपको ये सारे क्वेश्चन किस में करने हैं, अपनी नोटबुक में करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।